आप सभी लोगों को याद होगा कि जब 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आपने देखा कि एक नया मंत्रालय बनाया गया था। मई 2019 की बात कर रहा हूं, जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि इसने एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है सुजलम अभियान। और याद रखिए, इस तरह का मंत्रालय अगर कोई अभियान चलाता है तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप जान लिया करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है। और आप देखिए, जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या फिर आप लोग निबंध लिख रहे होंगे, तब भी आप देखेंगे कि इन पॉइंटों का आप वहां भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, और भी कुछ पॉइंट है उन्हें भी हम लोग जान लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको मालूम होगा कि जो जोधपुर से सांसद भी हैं, ठीक है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंत्री होने के लिए आपको राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य होना पड़ता है। और इसके राज्य मंत्री की बात करें तो रतन लाल कटारिया है। और राज्य मंत्री का काम इतना ही होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होता है ना, इसकी सहायता करना, सहायक के रूप में एक तरह से काम करता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें राज्य मंत्री कभी भाग नहीं लेता है। एक आप और नाम सुनते होंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो याद रखिए, जरूरत पड़ने पर ये मीटिंग में भाग भी ले सकता है, कैबिनेट मीटिंग में भाग भी ले सकता है। लेकिन इन्हें याद रखिए, सभी सुविधाएं मंत्री जैसी ही दी जाती है। और जल जो शक्ति मंत्रालय था, इसका गठन इसी उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में जल की कितनी बड़ी समस्या है। आप कई क्षेत्र ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पीने का जल भी स्वच्छ उपलब्ध नहीं हो पाता है, लोग गंदा पानी पीते हैं। तो आप देखेंगे कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 25 अगस्त से 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के बारे में बात करें तो इसका अभियान का उद्देश्य ग्राम स्तर पर, यानी कि आप सभी जानते हैं गांव के स्तर पर जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक गांव को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करना है। जल के प्रति एक तरह से आप कहिए कि लोगों में जागरूकता फैलाना है। और इस अभियान को विशेष रूप से 10 लाख अवशोषक सूख गड्ढों का निर्माण और अपशिष्ट जल प्रबंधन ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और आप सभी को मालूम है कि जब से ये नई सरकार आई हुई है 2014 से, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा काम, तो मुझे लगता है कि ये स्वच्छ भारत अभियान। आप देखिए कि काफी स्वच्छता, आप कहीं भी जाएंगे तो काफी अच्छी पोजीशन में मिल चुके हैं। और याद रखिए, इसमें आपका भी योगदान, मैं तो कहता हूँ सरकारों का योगदान बहुत से बहुत आप 15% कह सकते हैं, बाकी का योगदान आप लोगों का ही है। आप लोग अगर इसमें नहीं जुड़ते तो आप सोचिए कि हम लोग इतनी स्वच्छता हासिल ना कर पाते। इस अभियान के तहत अगर गांव में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने हेतु सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, ODF की निरंतरता बनाए रखने और ग्रे वाटर प्रबंधन करने के लिए सोख गड्ढों को आवश्यक संख्या में तैयार करने हेतु संकल्प पारित करना। एक तरह से आप देखते हैं कि बरसात में बरसात होती है, पानी गिरता है, तो उसका प्रबंधन करना, उसे धरती के अंदर तक पहुंचाना, निरंतरता बनाए रखने और सोख गड्ढों के निर्माण संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार करना, और आवश्यक संख्या में सोख गड्ढों का निर्माण करना, और IEC के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां शौचालय को पुनर्निर्मित करना, और गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना। आपके गांव में भी इस तरह की शौचालय जो भी योजना आई हुई थी, इसका फायदा आप लोगों ने उठाया भी होगा। तो आप तो अब देखेंगे कि हर घर में आपको लगभग आपका शौचालय मिल ही जाएगी। सरकार के द्वारा ये काफी आप लोगों को फायदेमंद योजना थी। अब जिन लोगों ने नहीं बनवाई है उसके लिए वो ही जिम्मेदार हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो इस अभियान के माध्यम से न केवल गांव में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी संरचनाएं
अथवा सूख गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि जल निकायों के संवहनीय प्रबंधन में भी सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा इस अभियान से सामुदायिक भागीदारी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की गतिविधियों में तेजी आएगी और इससे ODF प्लस अति विधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। और ये इस तरह का काम आप भी कर सकते हैं। आवश्यकता की बात करें तो आप देखेंगे गांव में, गांव के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और जलाशयों का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस अभियान से अवशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और बदले में जलाशयों को पूर्व रूप में लाने में सहायता भी मिलेगी। अभी आप देखते हैं कि थोड़ी बरसात होती है तो आपके यहाँ जो नालियाँ होती हैं वो बाहर बहने लगती हैं, उसमें इतना वो रहता है, कीचड़ कचरा आप देखते हैं रोड पे आने लगता है। इसे सही करने की भी बात की जा रही है। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ODF+ या ODF ODF++ ये आखिर है क्या? तो मार्च 2016 में जारी किए गए एक मूल ODF प्रोटोकॉल में कहा गया कि यदि किसी भी दिन किसी भी समय, इस पॉइंट को याद रखिए, किसी भी दिन किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता तो उससे उस शहर वार्ड को ODF शहर वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी दिन किसी भी समय अगर कोई भी व्यक्ति बाहर शौच करने के लिए नहीं जाता है तो उस शहर को ODF वार्ड या शहर के रूप में मान्यता मिल जाएगी। वहीं आप देखें कि ODF+ और ODF++ तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण में ODF दर्जा प्राप्त करने के बाद शहरों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें जारी रखने के लिए अगस्त 2018 में ODF+ और ODF++ की शुरुआत की गई थी, एक अब 2018 में। इसमें अगर आप देखेंगे कि ODF प्रोटोकॉल के आधार पर कुछ शहर को कम से कम एक बार ODF अधिसूचित हो चुके हों, उन्हें SBM ODF यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ODF+ और ODF++ घोषित किया जा सकता है। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जिस शहर ने या जिस वार्ड ने ODF हासिल प्रोटोकॉल हासिल कर लिया है, अब वो आगे क्या करेगा, ODF+ या ODF++ भी हासिल कर सकता है। अब देखिए ODF+ क्या है, तो ODF+ का प्रोटोकॉल के अनुसार यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या फिर पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता तो सभी सामुदायिक अथवा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अव्यवस्था में एक सुव्यवस्थित हैं और उस शहर वार्ड या कार्य क्षेत्र को ODF+ घोषित किया जा सकता है। ODF में केवल आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन अगर शौच करने बाहर नहीं जाता है तो उस शहर या वार्ड को आप लोग ODF घोषित कर सकते हैं। ODF+ के लिए एक और शर्त जुड़ गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन अगर शौच और पेशाब के लिए बाहर नहीं जाता, वो बाथरूम जो भी है लेटरिन का उपयोग करता है, उसका यूज करता है, तो उसे ODF+ घोषित किया जाएगा। अब बात आती है ODF++, तो याद रखिए इसका ODF++ प्रोटोकॉल में यह शर्त जोड़ी गई है कि मल कीचड़ सेप्टेज और नालियों को सुरक्षित रूप से प्रबंधन उपचार किया जाए और जिसमें किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़ सेप्टेज और नालियों का प्रवाह किसी जल निकाय अथवा खुले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। अगर किसी शहर या आप सोचिए वार्ड को ODF++ प्रोटोकॉल के तहत आना है तो इसमें एक और शर्त जोड़ दी गई है कि देखिए कि शौच मुक्त, और आप सोचिए लोगों को बाहर पेशाब के लिए तो जाना ही नहीं है, साथ में ही वहां जो नालियां हैं जो आप देखते हैं कि जो सेप्टेज होते हैं कीचड़ होता है वो बाहर ना देखे, रोड पर ना देखे, उसकी बेहतर एक तरह से प्रबंधन हो, व्यवस्थित तरीके से वो वहां की नालियां हो, साफ सफाई होती रहती हो, बाहर आपको ना देखने को मिले, तो इसे ODF++ भी घोषित किया जा सकता है। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा, इनसे भी कभी क्वेश्चंस और वैसे भी आपसे पूछ भी सकता है कहीं भी कि ODF ODF++ या ODF+ ये आखिर होता क्या है।
क्योंकि आप देखते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे कोई भी, और न्यूज़पेपरों में भी ये शब्द हमेशा आते रहते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपका पूछे तो मुझे लगता है कि आराम से आप इनका आंसर भी देख पाएंगे।